ये हमारा सेकंड प्रोटोटाइप है वेंडिंग मशीन का। अगर आपने फर्स्ट प्रोटोटाइप नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सेकंड वाले में हमने तीन मॉडिफिकेशन किए हैं। पहला मॉडिफिकेशन ये किया है कि हमने नंबर ऑफ स्लॉट्स इंक्रीज कर दिए। दूसरा मॉडिफिकेशन ये है कि अगर सेम अमाउंट के डिफरेंट आइटम हैं तो उसे कैसे डील करना है। और तीसरा, अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिला तो इंस्टेंट मनी रिफंड हो जाएगा। इसमें एडिशनल चीज़ ये की है कि प्रोडक्ट के सामने QR कोड है, उसे स्कैन करके आप पे कर सकते हैं या हैंड जेस्चर के थ्रू भी आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। सो वर्किंग सिमिलर है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बता चुका है कि आप QR कोड स्कैन करोगे, ऑटोमेटिकली जो अमाउंट है वो प्रोडक्ट का, वो अमाउंट आ जाएगा, फिर आप उसको पे कर लोगे तो आपको आपका प्रोडक्ट डिस्पेंस होकर मिल जाएगा। और कॉन्सेप्ट ये भी है कि हर एक डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट QR कोड है, ताकि जो यूज़र है उसको डिफ़िकल्टी ना पड़े। उसको फर्स्ट प्रोडक्ट लेना है तो फर्स्ट स्कैन करे, सेकंड प्रोडक्ट लेना है सेकंड स्कैन करे, थर्ड लेना है थर्ड स्कैन करे। सो अब हमारे सामने ये डिफ़िकल्टी आ रही थी कि सेम अमाउंट के प्रोडक्ट, जैसे कि जो फर्स्ट है और सेकंड है, वो दोनों का अमाउंट सेम है 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ के दो QR कोड कैसे बनाए। तो 1 पैसा आप ऊपर नीचे करके डिफरेंट QR कोड बना सकते हैं। तो हमने डिफरेंट QR कोड वैसे टाइप के बनाए, तो हर एक प्रोडक्ट के लिए उनका एक इंडिविजुअल QR कोड आ गया। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि इसे हम यूज़र फ्रेंडली बना सकें। अब ये यूज़र फ्रेंडली इस तरह से हुआ, जैसे आप पुराने वेंडिंग मशीन देख सकते हैं जिसमें हमें प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए नंबर्स टाइप करने पड़ते हैं, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर अगर हम हर प्रोडक्ट के सामने इंडिविजुअल QR कोड रखें तो उसे स्कैन करना इजी होगा और सब फैमिलियर है UPI के थ्रू पेमेंट करने से, तो इसलिए ट्रांजैक्शन इजी हो जाएंगे। अब आप इस थर्ड वाले में ये देख सकते हैं कि जब ये नॉर्मल कंडीशन में वर्क कर रहा है तो आप इसमें स्कैन करेंगे, पे करेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट इन केस अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिला तो उस केस में आपको इंस्टेंट उसी समय रिफंड हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि लोगों को वेंडिंग मशीन चलाने में कोई डर ना लगे कि हमारा पैसा इसमें अटक तो नहीं जाएगा, या तो हमें अपना प्रोडक्ट ना मिले तो क्या होगा। तो ये सिचुएशन से डील करने के लिए और वेंडिंग मशीन को और रिलायबल बनाने के लिए हमने रिफंड वाला सिस्टम स्टार्ट किया। बिकॉज मार्केट में कोई नई सर्विसेज स्टार्ट करो तो लोगों का ट्रस्ट वैसे ही कम होता है, प्लस अगर उसमें मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो तो ट्रस्ट और कम हो जाता है। सो इसे ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए हमने इसमें इंस्टेंट रिफंड स्टार्ट किया कि आपको प्रोडक्ट मिलेगा, नहीं तो आपको रिफंड मिलेगा अगर आपने पे किया है। तो चेक करने के लिए कि रोटेशन हुआ कि नहीं, हमने इसमें ऑप्टो कपलर सेंसर यूज़ किया है, जो कि एक IR सेंसर है। ये सेंसर ये डिटेक्ट करता है कि आफ्टर पेमेंट मोटर रोटेट हुई या नहीं। अगर मोटर रोटेट नहीं हुई तो ये उसी समय मनी रिफंड कर देता है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जिसमें आप ट्रांजैक्शन करेंगे, उसके बाद भी आपको प्रोडक्ट नहीं मिला, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बट अगर इन केस हो गया तो उस केस सिनेरियो में आपको आपका रिफंड मिल जाएगा। उसको टेस्ट करने के लिए हम ये परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये एक्सपेरिमेंट में हमने मोटर को फॉल्टी कंडीशन में रखा हुआ है, उसके बाद ट्रांजैक्शन करते हैं। तो हमारा सेंसर ये डिटेक्ट कर रहा है कि मोटर रोटेट हुई या नहीं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, जो कि है 10 सेकेंड। उस पीरियड में अगर मोटर रोटेट नहीं हुई तो आपको आपका रिफंड मिल जाएगा।